ओके नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. मैक्सिमा एंड मिनिमा. अब आप ये कहोगे सर ये स्कूल में आएगा? नहीं, ये स्कूल में नहीं आएगा. फिर आप ये कहोगे सर जब से पढ़ा रहे हो फिर हर टॉपिक करने के बाद बोल देते हो कि ये तो आएगा ही नहीं, ये तो ये भी नहीं आएगा, कैलकुलस भी नहीं आएगा, मैक्सिमा मिनिमा भी नहीं आएगा, वेक्टर भी बीच बीच में एक आधा आएगा, उसके बाद वेक्टर भी ज़्यादा नहीं आएगा, यूनिट्स भी एक क्वेश्चन है, तो फिर जो आएगा वही करवाओ ना. एक्चुअली ये भी एक मैथमेटिकल टूल है, बस ये लास्ट है, इसके बाद फिजिक्स अभी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक, मैक्सिमा मिनिमा मैथ्स का एक टॉपिक है जो मैथ्स के टीचर प्लस टू के कैलकुलस में करवाते हैं और काफ़ी डिटेल में करवाते हैं, मतलब फिजिक्स वालों से काफ़ी डिटेल में कहूँगा मैं, क्योंकि उनकी तो टिपिकल बहुत ज़्यादा डबल डेरिवेटिव तक डिफ्रेंसिएशन चलती है और उसको वो मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम का टॉपिक उस कैटेगरी में है. अब हमारी क्या प्रॉब्लम है, हमें जितना रिक्वायर्ड है वो हम अभी करेंगे और इतना काम हो जाएगा हमारा मैक्सिमा मिनिमा की हमारी फिजिक्स की प्रॉब्लम तो कम से कम नहीं रुकेगी. ठीक, मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम समझने से पहले आपको एक पहले एक प्रैक्टिकल पॉइंट समझना पड़ेगा. ये टॉपिक्स ऐसे तो है नहीं कि किसी साइंटिस्ट ने बना दिए और बस थ्योरी लिख दी कि ये बस होना चाहिए सिलेबस. कोई सिलेबस थोड़ा लिख रहा है, कोई कैलकुलस में कोई चीज़ किसी ने ऑब्जर्व की, वो ऑब्जर्व की हुई चीज़ को उसने सोल्यूशन निकाला कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है जो हमारे कोर्स में ऐड हो गया. मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम ये है, मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया, मैक्सिमा और मिनिमा क्यों यूज़ किया, उसका आंसर भी अभी पता लगेगा. उससे पहले सपोज करो वाई की वैल्यू टाइम के साथ लेट अस सपोज चेंज हो रही है. मान लो y की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली. आप चेक कर सकते हो इस ग्राफ में कि y की वैल्यू पहले जीरो है, बढ़ती 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 मैक्सिमम हो जाती है, फिर कम होती 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 जीरो हो जाती है, फिर नेगेटिव की तरफ चली जाती है, मैक्सिमम मतलब मिनिमम हो जाती है, ऐसे बोल सकते हैं y इज नेगेटिव और फिर जीरो हो जाती है. एज इट कीप्स ऑन चेंजिंग. जरूरी नहीं है कि इतना सिमेट्री में ग्राफ बने, हो सकता है ग्राफ ऐसे बन सकता है, ये लो ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, राइट? किसका किसका? वाई का और टाइम का. ठीक, मुझे सिर्फ यह बताओ कि अगर मैं यहां पर स्लोप निकालूं किसी भी पॉइंट पे तो स्लोप क्या देगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रादर. क्योंकि स्लोप हर पॉइंट पर क्या करेगी? अपनी वैल्यू को चेंज, तो वेलोसिटी भी अपने वैल्यू को क्या करेगी? चेंज. ये भी समझ में आता है यहां तक? अच्छा, अब ये बताओ कि इस केस में अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं तो ये बहुत छोटा एलिमेंट मैंने आपको हमेशा सिखाया स्ट्रेट होता है, और स्लोप निकालने के लिए याद है इसको डीवाई लिखते हैं, इसको डीटी लिखते हैं, टाइम का एक्सिस स्मॉल डीटी, वाई का डीवाई. तो स्लोप किसी भी इंस्टेंट पर अगर आएगी तो वो क्या आएगी? डीवाई बाय dt, mathematically it is represented by dy by dt. ये बात समझ में आती है? शायद हमने पहले भी कभी डिस्कस की हुई है. तो अगर ये एक्सिस y चल रहा है, ये t चल रहा है, तो स्लोप किसी भी इंस्टेंट पर dy by dt, और स्लोप का मतलब यहां पर होगा क्या? दिस इज रेट ऑफ चेंज, क्योंकि वर्ड चेंज इसलिए क्योंकि डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं. रेट ऑफ चेंज किसका निकल रहा है? y का, राइट? और विद रिस्पेक्ट टू क्या निकल रहा है? टाइम निकल रहा है. ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? अच्छा, ये बताओ इस अगर ये ग्राफ y ऐसे चेंज होता है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी? बड़ा टाइम लगा रहे हो सोचने में. नहीं रहेगी. क्यों? कि स्ट्रेट लाइन नहीं ना. xt ग्राफ या yt ग्राफ जब स्ट्रेट होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. ये तो स्ट्रेट वैसी पता लग रहा है कि स्लोप यहां पर कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां तो बिल्कुल ही जीरो है, क्योंकि यहां पर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप क्या आएगी? जीरो. वैसी जीरो है यहां पर तो, और फिर यहां पर ये कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक, यहां पर भी जीरो है इस तरीके से. तो
तो कहने का मतलब, अगर ये पेन टेंजेंट है तो ये टेंजेंट ऐसे गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, इस तरीके से करते 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 क्या हो गया, जीरो। और फिर स्लोप नीचे 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 कुछ इस तरीके से, और फिर क्या हो जाती है, जीरो। और फिर ऐसे, क्योंकि स्लोप चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ये रूल समझ में आता है? अच्छा, स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि वाई की वैल्यू कितनी चेंज होती है टाइम टी के साथ। रेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज कितनी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही रेट ऑफ, मान लो वाई है, कोई डाउट इसमें? अच्छा ये बताओ, स्लोप चेंज हो रही है क्या? स्लोप चेंज हो रही है, हो रही है। स्लोप जो चेंज हो रही है, क्या आप मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकाल सकते हो? देखो ये वर्ड ध्यान से, मैंने कहा क्या स्लोप चेंज हो रही है, तो आपने कहा हाँ स्लोप चेंज हो रही है, ठीक है, चेंज हो रही है। पहले कैसी थी? ऐसी थी, फिर कम हुई, 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 फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पर जीरो, फिर नेगेटिव स्लोप बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, इस तरीके से, और फिर क्या हो गई, जीरो। ऐसी हो रहा है, स्लोप चेंज हो रही है, हर कोई मानता है। मुझे स्लोप का रेट ऑफ चेंज निकालना है, कि स्लोप कैसे चेंज हो रही है। पॉइंट समझ में आया? मैं क्या निकालने जा रहा हूं, पहले तो वाई चेंज हो रहा है, वाई का रेट ऑफ चेंज का नाम दिया स्लोप। अब मुझे निकालना है वाई का रेट ऑफ चेंज, जो कि स्लोप है, स्लोप भी उल्टा चेंज हो रही है, स्लोप चेंज हो रही है, मुझे उसका क्या निकालना है, किस रेट से स्लोप चेंज हो रही है। ओके, डबल डिफरेंशिएशन कर दो, सही बोल रहे हैं। वो कह रहा है स्लोप का चेंज निकालना है, तो आपको निकालना है, अगर मैं लिखूं स्मॉल चेंज इन स्लोप, तो इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल चेंज को ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप। अगर मैं कहूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप क्या बोलेंगे, बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगी। और अगर स्लोप कांस्टेंट हुई तो ये कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, जीरो। तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या आ जाएगा, जीरो। सही, तो इस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ स्लोप, स्लोप है क्या इसमें, डी वाई बाई डी टी, तो इसको क्या लिखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, राइट। तो इसका मतलब जब मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी टी तो वो स्लोप है, जब मैं लिखूंगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्या डिफरेंस है? अच्छा मैं इस चीज को एक और तरीके से समझाता हूं। एक पाइप है, पाइप में से पानी बाहर निकल रहा है, पानी कैसे बाहर निकलता है, लेट अस सपोज डी वी बाई डी टी, एंड डी वी बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। अगर 1 सेकेंड में 10 लीटर पानी बाहर निकलता है, अगले 1 सेकेंड में भी 10 लीटर पानी बाहर निकलता है, अगले 1 सेकेंड में 10 लीटर पानी बाहर निकलता है, हम क्या बोलेंगे, इसका जो पानी का बाहर निकलने का रेट क्या है। मैं ये नहीं कहूंगा जीरो, जीरो का मतलब पानी बाहर नहीं निकल रहा, निकल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वॉल्यूम इज चेंजिंग, बट इट इज चेंजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट। तो इसमें जो रेट है, रेट वर्ड, रेट इज कॉन्स्टेंट, ये समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मान लो पानी ऐसे निकल रहा है, पहले 1 सेकंड में 10 लीटर, अगले 1 सेकंड में 20 लीटर, अगले 1 सेकंड में 30 लीटर, अगले 1 सेकंड में 40 लीटर, अब आप ये नहीं कह सकते कि आपका रेट कांस्टेंट है। उस केस में रेट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज रादर इंक्रीजिंग, रेट बढ़ रहा है आपका। बात समझ में आ रही है? तो पर सेकेंड अगर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, हर 1 सेकेंड में वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, अगले अगले सेकेंड में, आप क्या बोलेंगे, आपका रेट बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? अब मुझे क्या निकालना है, वो जो रेट बढ़ रहा है, ठीक है, डीवी बाई डी टी 1 सेकेंड का रेट है, अगले 1 सेकेंड में डीवी बाई डी टी विल चेंज, अगले 1 सेकेंड में डीवी बाई डी टी विल अगेन चेंज, अगले 1 सेकेंड में डीवी बाई डी टी विल अगेन चेंज। तो मुझे निकालना है वो जो चेंज करके जो वैल्यू आ रही है, जो रेट की वैल्यूज आ रही हैं, वो रेट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है। मतलब हम चेंज तो हम रेट तो निकाल रहे हैं, हम रेट का भी
फर्दर एक और रेट निकाल रहे हैं, हम जो चेंज है उसका एक और चेंज निकाल रहे हैं, समझ में। सेकंड डेरिवेटिव का समझ में आ रहा है क्या है? जैसे एग्जांपल के साथ मान लो dv by dt पहले 1 लीटर पर सेकंड है, फिर 2 लीटर पर सेकंड है, फिर मान लो 4 लीटर पर सेकंड है, या मान लो चलो 3 लीटर पर सेकंड है, 4 लीटर पर सेकंड है, एंड सो ऑन। यानी कि पहले 1 सेकंड में 1 लीटर पानी बाहर निकलता है, अगले 1 सेकंड में 2 लीटर, नेक्स्ट में 3 लीटर, एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यू है रेट की वो बढ़ती 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 जा रही है। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये कैसे बढ़ रही है ये बताओ, राइट? तो इसका मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है चेंज इन रेट। मुझे रेट नहीं निकालना, रेट तो मुझे पता है डीवी बाई डी टी होता है, मुझे उसका भी फर्दर क्या निकालना है, चेंज निकालना है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो मुझे निकालना है चेंज इन रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं क्या लिखूंगा चेंज इन रेट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम? का जो लिखने का रूल है वो यही है, चेंज स्मॉल, याद है वो डेरिवेटिव वर्ड कब यूज करते थे, व्हेन वी कैलकुलेट स्मॉल चेंज। अब हम किसका चेंज निकालना चाहते हैं, रेट का, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन वॉल्यूम का रेट कैसे लिखा जाता है, डी बाई डी टी ऑफ डी वी बाई डी टी, जो क्या लिखा जाएगा, डी टू वी बाई डी टी। तो समझ में आया कि ये स्मॉल जो रेट का चेंज है वो कैसे निकलेगा, कोई डाउट इसमें? तो किसने लिखना है कुछ लिख लो, उसके बाद मैं आगे फिर कंटिन्यू करना चाहता हूं ताकि याद रहे। बस समझ में आ रहा है तो इट्स ओके, एक दो लाइन अगर नोट लिखना है तो लिख लो, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि डबल डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है। हमने कैलकुलस में डबल डेरिवेटिव निकालना तो सीख लिया, पर हमने आज तक उसे कभी अप्लाई नहीं किया, एक्सेप्ट फॉर एक्सेलरेशन, वो भी क्या रेट ऑफ चेंज है, ये अब असली चीज है।
हाँ जी ठीक, यहाँ तक ठीक, कोई डाउट इसमें? तो रेट ऑफ चेंज का मतलब ये समझ में आता है कि जिस चीज का रेट ऑफ चेंज निकालना है, वॉल्यूम का निकालना है, तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर दो रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वाई का निकालना है रेट ऑफ चेंज, तो वाई को डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन अगर मुझे उस रेट का भी रेट निकालना है तो उसे दो बार डिफरेंशिएट कर दो। ये समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर है यहां तक कि रेट मतलब कि कैसे चेंज हो रहा है उसका, और उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। ओके, अब वापस अपने इस टॉपिक पे आते हैं। मान लो कि आपके पास, जैसा कि इस प्रॉब्लम के अंदर मैंने एक दो ग्राफ बनाए हुए हैं, ये लो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस ग्राफ में ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, y की वैल्यू ऊपर जा रही है, बढ़ती 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 मैक्सिमम हो गई, यहां पर मैक्सिमम हो गई, फिर कम 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 होती होती मिनिमम हो गई और फिर जीरो हो गई। अच्छा, इस पूरे ग्राफ में y की वैल्यू, लेट अस सपोज ये y एक्सिस है, तो y की वैल्यू यहां से स्टार्ट होते हुए बढ़ती 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 मैक्सिमम हो गई, फिर कम 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 होती जा रही है, इस पोर्शन के हिसाब से ये मिनिमम हो गई, फिर ये ऊपर ऊपर चलती चलती मैक्सिमम हो गई, फिर y की वैल्यू कम होती जा रही है, मिनिमम हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि आप कहोगे सर ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, ये अलग मिनिमम है, ये अलग मिनिमम है। तो मिनिमम वर्ड तो एक ही होता है ना, जैसे अगर मान लो मेरे पास 10 वैल्यूज हैं, 2, 4, 5, 10, 15, उसमें से एक ही मिनिमम वैल्यू आएगी ना जिसमें छोटी होगी। तो इस पूरे ग्राफ के लिए ये एक वैल्यू जो ये दिख रही है सबसे मिनिमम है। मिनिमम तो बहुत अचीव किया वाई ने, यहां कम हो गई, यहां कम हुई, यहां कम हुई, यहां भी कम हुई, लेकिन सबसे कम कहां देखी गई? यहां पे, ऐसी है ना। तो ये ओवरऑल मिनिमम है, ये लोकल मिनिमम है। लोकल मिनिमम का मतलब होता है कि इस रीजन के लिए बस मिनिमम है, अगले रीजन में और भी कम हो सकती है, तो ये लोकल मिनिमम है। समझ में आ रहा है यहां तक? या इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड, मैथ्स वाले बोलते हैं कि इसमें काफी बार वाई की वैल्यू मिनिमम, कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, ऐसी हुई। बहुत सारे मिनिमम को प्लूरल में मिनिमा बोला जाता है। तो यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर क्या अचीव हो रहे हैं, मिनिमम्स, या फिर उसको मिनिमम्स नहीं बोलते, मिनिमा बोलते हैं। ऐसी मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब बहुत सारे मैक्सिमम्स। तो वाई की वैल्यू इंक्रीज हुई, फिर एक बार बहुत इंक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, एंड सो ऑन। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, बहुत सारे मैक्सिमम पॉइंट्स हैं या मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं। पॉइंट समझ में आया यहां तक? ये टॉपिक का नाम मैक्सिमा एंड मिनिमा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे मिनिमम्स हो सकते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम। लेकिन एक चीज पक्की है कि अगर आप स्लोप की बात करते हो, जैसे इस ग्राफ में स्लोप की वैल्यू जब आप बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाते हो, यू ड्रॉ टेंजेंट, तो बोलो इसकी स्लोप क्या आती है? यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पे स्लोप जीरो है, और स्लोप होती क्या है? डी वाई बाय मस्ट बी इक्वल टू, कोई डाउट इसमें? उसी तरीके से यहां चाहे जितनी भी स्लोप हो, लेकिन मुझे यह पता है जब मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी, तो यहां पर भी स्लोप क्या आएगी? जीरो। यानी कि डी वाई बाय डी टी की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। कोई डाउट इसमें? ऐसी लिखेंगे इसमें? कोई डाउट इसमें? स्लोप का मतलब ये है ना, या ऊपर जाना या नीचे जाना, अगर फ्लैट पे है तो फिर स्लोप की वैल्यू क्या रहती है? जीरो, राइट? अच्छा, इधर देखते हैं, यहां पर इधर देखो, स्लोप की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर, ड्रॉ टेंजेंट, यहां से ऊपर चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्लोप क्या आएगी? जीरो। तो यानी कि डी वाई बाई डी टी की वैल्यू यहां पर क्या होगी? जीरो। और स्लोप इस पॉइंट के ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, हर पॉइंट पर, चाहे मैक्सिमा का पॉइंट हो, चाहे मिनिमा का पॉइंट हो, स्लोप की वैल्यू हर केस में क्या रहेगी? जीरो। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, चाहे आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो ग्राफ के, चाहे आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हो ग्राफ के, स्लोप की वैल्यू हर हालत में क्या रहेगी? जीरो। कोई डाउट इसमें? ठीक, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, एक यूनिवर्सल कंडीशन बना लूं,
कि चाहे पॉइंट मैक्सिमा का हो टॉप मोस्ट पॉइंट पे बैठ जाए, चाहे बॉटम मोस्ट पे चले जाए, इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट, तो टेंजेंट जब ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी? जीरो, राइट? कोई डाउट इसमें? तो यहां तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करो, स्लोप दिखाओ। हाँ, तभी दिखेगी ना। ओके, क्या है पॉइंट? सबको क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है। अब आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट अब क्या है कि वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। और सपोज करो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे एग्जांपल वाई की वैल्यू इज गिवन एज 8t² - 4t। सपोज मान लो टाइम के साथ वाई चेंज हो रहा है, ग्राफ क्या बनेगा इसका मुझे खुद नहीं पता, जो भी बनेगा पैराबोला या जैसी भी शेप बनेगी। हाँ ये पता है कि ग्राफ का कोई ना कोई फंक्शन होगा, फंक्शन का मतलब कोई इक्वेशन होगी, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वाई प्लॉट करोगे तो कर्व बन के आएगा। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये बताओ कि कितने टाइम पर, ठीक, वैसे तो अगर प्रैक्टिकल करें तो आपको कोई बॉडी फेंक के दिखाऊंगा जो ये फॉर्मूला फॉलो करती है, और वाई की वैल्यू आप देखेंगे बढ़ेगी बढ़ेगी फिर कम भी होगी। आपको बस एक स्टॉपवॉच लेके खड़े हो जाना है और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जब वाई मैक्सिमम होगा बस मुझे टाइम बता देना कब मैक्सिमम होगा, मतलब वाई नोट करते जाओ, वाई की वैल्यू कम फिर ज्यादा जैसे भी होगी, बस आपको ये बताना है कि कितने टाइम पर वाई की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम, ये क्वेश्चन है। अब पहला तरीका तो आप एक्सपेरिमेंट करो, बैठ के एक्सपेरिमेंट स्टॉपवॉच लेके खड़े हो जाओ। दूसरा कुछ ना करो, आपको पता है कि जब ये कर्व अपने मैक्सिमम पॉइंट पर आएगा या मिनिमम पे आएगा, जहां भी आएगा स्लोप क्या होगी? जीरो। और जब भी ग्राफ वाई और टी की फॉर्म में बनता है तो स्लोप इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डी वाई बाय, तो यानी कि या ये पॉइंट मैक्सिमा का हो या फिर ये पॉइंट मिनिमा का हो, वाई टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ग्राफ वाई और टी का बनेगा, तो y की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो आप कैलकुलेट करेंगे dy वाई बाई डी टी, तो आंसर मैक्सिमम या मिनिमम के जहां भी पॉइंट्स होंगे वहां पर dy वाई बाई डी टी क्या आएगा? जीरो। तो आप एक काम करना, dy वाई डी टी ऑफ y की जगह पुट कर लेना 8t² - 4t मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy वाई डी टी ऑफ t² - 4 dt/dt 8 × 2t -4 = 0 16t - 4 = 0 तो टाइम की वैल्यू आएगी 4/1/4 सेकेंड। तो 1/4 सेकेंड पे बिना आपने स्टॉप वॉच के बता दिया एक मिनट में कि इतने टाइम पर वाई की वैल्यू या क्या आई होगी मैक्सिमम या क्या आई होगी मिनिमम, पर आप अभी तक ये नहीं बता पा रहे कि मैक्सिमम आई या फिर आई, तो एक ही होगी ना, या तो मैक्सिमम आप चढ़ाई पे चढ़ चुके हो या आप नीचे गिर चुके हो, एट अ टाइम एक पॉइंट पर हो सकते हो। ये तो हो नहीं सकता कि मेरे मैथ्स में आज मार्क्स आए 100 मैक्सिमम
नहीं, उसी पेपर में आए मिनिमम जीरो, तो या तो मैक्सिमम आएंगे या मिनिमम आएंगे। तो कहने का मतलब है कि इतने टाइम पे 1/4 सेकेंड पे या तो मेरा आंसर मैक्सिमम पे होगा, या मैं कर्व के बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे हूं, या मैं कर्व के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हूं। कैसे पता करना है कि मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे हूं, मैक्सिमम पे हूं, या मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हूं यानी कि मिनिमम पे हूं? उसका करने का तरीका डबल डेरिवेटिव है। वो कैलकुलेट करना है बात की बात है, पर ये समझ में आया, फर्स्ट स्टेज समझ में आया। पहला डेरिवेटिव आपको ये बता सकता है कि आप मैक्सिमम पे हो या आप मिनिमम पे हो, ये नहीं बता सकता कि मैक्सिमम पे हो या फिर मिनिमम से एक वैल्यू नहीं बताएगा। तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां तक लिखना, लिखो, उसके बाद कंटिन्यू करता हूं। ध्यान से पैर लगा। देखो अब कैसे पता करना है कि आप यहां पे हो t इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड पे, या आप यहां पे हो, एक जगह पे हो, ठीक। उसको चेक करने के लिए देखो क्या रूल है, उसको बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले ये सबको समझ में आता है कि अगर मैं ये टर्म कैलकुलेट करता हूं तो मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। मैं स्लोप नहीं कैलकुलेट कर रहा, स्लोप का मतलब डीवाई बाई डीटी होता है। मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि वो स्लोप किस रेट से चेंज होती है। समझ में आ रहा है यहां तक? जैसे अगर मैं यहां पे हूं, ये रहा स्लोप, यहां पर ऐसी है, थोड़ा सा आगे जाएंगे टेंजेंट नीचे झुक जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और कम और कम, और फिर फाइनली जीरो। आपको क्या लगता है कि स्लोप नीचे से ऊपर जाते हुए बड़ी कि कम हुई? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, डिक्रीज हुई, टेंजेंट की डायरेक्शन नीचे झुक रही है ना। पहले टेंजेंट ऊपर था, टेन थीटा बड़ा आएगा, फिर ऐसे हो गया, फिर ये पेन ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, वैसे भी यार फाइनली जीरो हो गया, बढ़ कैसे गई? उल्टा फाइनली तो जीरो का मतलब कमी हो रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अच्छा चलो ऐसे नहीं पूछते, ऐसे पूछ लेता हूं। यहां से यहां आने में ये बताओ स्लोप पॉजिटिव रही कि नेगेटिव रही? मैं चेंज नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं किसी भी इंस्टेंट पर ले लो, यहां पे स्लोप निकाल लो, यहां लगा लो, यहां लगा लो, यहां लगा लो, पूरी जर्नी में जब तक जीरो नहीं होती, स्लोप की वैल्यूज कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है कि सारी पॉजिटिव है कि सारी नेगेटिव है? सारी पॉजिटिव में कितने लोग एग्री करते हैं? हाँ, क्योंकि टैन थीटा नेगेटिव कैसे आएगा? टैन थीटा तो परपेंडिकुलर बाय बेस। और वैसे भी यार जब पेन ऐसे दिखेगा टेंजेंट तो स्लोप पॉजिटिव है, जब पेन ऐसे हो जाएगा स्लोप नेगेटिव, ये रूल होता है ना। तो यहां से यहां ऊपर जाते जाते पेन का जो है फेस ऐसे ही है ना,
तो टैन थीटा तो पॉजिटिव आएगा, तो यहां पर स्लोप हमेशा क्या दिखाई देगी, पॉजिटिव। और फिर इस जर्नी में नीचे आती आती जीरो के बाद स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव, नेगेटिव, ऐसे हो रहा है ना, तो स्लोप पॉजिटिव से क्या हो गई, नेगेटिव। अच्छा उल्टा आ जाओ, इधर आ जाओ, अब मान लो आप यहां पर हो, इस पूरी जर्नी में ये पेन की डायरेक्शन नीचे है, तो इस पोर्शन में स्लोप्स क्या है, नेगेटिव, यहां पर क्या है, और फिर ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाएगी, राइट, समझ में आ रहा है यहां तक, तो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो मैथ्स का रूल है कि अगर आप स्लोप, अगर आपकी स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ध्यान से मेरा हाथ देखना प्लीज, ये हाथ ऐसे हो जाता है, ये हाथ ऐसे था, जीरो करके हाथ ऐसे हो जाता है, स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा फिर देखना मेरा हाथ, नेगेटिव से जीरो से पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव से जीरो से पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर मेरा हाथ पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव पे जाता है, इसका मतलब आप ऊंचाई से आ रहे हो, आप मैक्सिमम पॉइंट पे हो, देखो ना नीचे गिरते आ, आपकी कार मान लो ऐसे जा रही थी फिर नीचे आ गई। और अगर आप नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप में जाते हो, यानी कि आप इस तरीके से जा रहे हो, राइट, इसका मतलब आप कौन से पॉइंट पे होंगे, लोएस्ट पे होंगे। समझ में आ रहा है कैसे चेक करना है, तो इट मींस कि अगर आप हाईएस्ट पॉइंट में हैं तो रेट ऑफ जो स्लोप होगा, स्लोप का जो रेट है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसको लिखा जाता है कि डबल डेरिवेटिव क्या हो गया, नेगेटिव, पॉजिटिव था और क्या हो गया, नेगेटिव, राइट। और अगर आप नीचे हो यानी कि मिनिमम के पॉइंट पे हो, मिनिमम के पॉइंट पे हो, तो डबल डेरिवेटिव यानी कि रेट ऑफ जो स्लोप है वो क्या हो जाता है आपका, इनिशियल से पॉजिटिव। तो ये कंडीशन है क्या कि आपकी जो स्लोप की वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, फाइनली जीरो के बाद नेगेटिव हो जाती है, आप यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे हो। तो हाईएस्ट पॉइंट की मैक्सिमम की ये कंडीशन आ गई कि हाईएस्ट पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। तो हाउ टू चेक कि वेदर यू आर एट हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट, तो इफ डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव, तो आप किस पॉइंट पर हैं, मैक्सिमम पे। एंड इफ डबल डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या आ जाता है, पॉजिटिव, तो आप किस पे हैं, मिनिमम पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पे। ये कंडीशन नोट करो प्लीज, ये फॉर्मूलेज है मैथ्स के कि ऐसे बने ये फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ये। इसको ये कन्वेंशन मानी जाती है कि आपकी स्लोप क्या थी, पहले पॉजिटिव, पॉजिटिव से क्या हो गई, टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद नेगेटिव, तो आपकी स्लोप रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अगर आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो उस केस में आप क्या मानेंगे, आप कौन से पॉइंट पर है, मैक्सिमम पे। और अगर यहां से फाइनली क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो यानी कि आप कहां पर आ गए, लोएस्ट पॉइंट पे, मतलब आप जिस पॉइंट पे है ना इमीडिएटली उसके बाद की कंडीशन देखी जाती है। अगर आपकी स्लोप नेगेटिव हो रही है तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव माना जाएगा, अगर आपकी इस पॉइंट के बाद का कन्वेंशन पॉजिटिव स्लोप में है तो वो लोएस्ट पॉइंट माना जाएगा, ऐसे है, ठीक।
लगता है पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे चेक करना है कि आप मैक्सिमम पॉइंट पर हो या आप मिनिमम पॉइंट पे हो। और अगर आपकी स्लोप का चेंज, अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या आता है, जीरो, मतलब आप स्ट्रेट ही चलते जा रहे हो, ना आप मैक्सिमम पे हो ना आप मिनिमम पे हो, बस सीधा ही चलते जा रहे हो फ्लैट, तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप भी क्या आएगा, जीरो। स्लोप ही नहीं है तो जीरो का चेंज भी क्या आएगा, जीरो, तो ना मैक्सिमम ना मिनिमम। ठीक, ठीक। अब मैं आपको ना एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में इसको करके दिखाता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर दिखे कि करना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है जो आप करने जा रहे हैं। ठीक, तो ये तो थ्योरी है मैथ्स की, लेकिन अब कैसे इसको अप्लाई करना है ये इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। रजत क्लियर है? चेतन, ओके, चलो ठीक, इसको देखते हैं फिर, ध्यान से देखना। ओके, देखो मैं आपको दो तीन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं कैसे मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और कैसे पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, राइट, ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल, गिवन y की वैल्यू इज 8t² - 4t, अभी मैंने किया भी, गिवन है ये फॉर्मूला, तो आपको y का गिवन ही होता है हमेशा। आपको क्या ढूंढना है, आपको बताना है फाइंड टाइम टी व्हेन वाई विल बी मैक्सिमम। आपको क्या निकालना है, टाइम टी बताना है जब वाई क्या होगा, मैक्सिमम। तो जब वाई मैक्सिमम होगा यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप होंगे, तो डी वाई बाई डी टी उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, जीरो। सबको समझ में आता है, ऐसी स्लोप उसकी जीरो हो जाएगी। यानी कि किसी भी चीज को अगर आपको मैक्सिमम करना है, किसको मैक्सिमम करना है, वाई को, तो उसकी क्या कर देनी है, डिफरेंशिएशन। और विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू वो वेरिएबल जिसके हिसाब से वो चेंज हो रहा है, वो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, टाइम। या एक और बड़ा अच्छा तरीका है, जिस भी चीज को मैक्सिमम करना है उसको डिफरेंशिएट कर दो, और विद रिस्पेक्ट टू वो टर्म जो आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, टी, तो आप वाई को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू। तो आप इस केस में डी बाई डी टी ऑफ वाई, वाई का मतलब 8t² - 4t मस्ट बी इक्वल टू कितना, जीरो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर, तो अभी मैंने करके भी दिखाया था आपको, डी बाई डी टी ऑफ क्या आएगा, 4t इक्वल टू जीरो, 8 × 2t - 4 इज इक्वल टू जीरो, तो टी इज इक्वल टू कितना आ रहा है इसमें, 1/4 सेकेंड। बात नहीं करो बीच में प्लीज, बात नहीं करो, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो इस टाइम पर वाई की वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम। अब एक पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में भी आना चाहिए, अगर नहीं, नहीं इसमें पॉजिटिव, वो तो डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं ना, अभी तो डबल पे पहुंचे ही नहीं हम, तो अभी डबल, अब तो सिंगल हुआ बस, ये तो पता लग गया कि इतने टाइम पर वाई मैक्सिमम है। क्वेश्चन ये बनता है आपका पूछना कि अगर ये क्वेश्चन मिनिमम का होता तो फिर क्या करते, फिर भी एग्जैक्टली सेम ही करते। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर टाइम टी इक्वल टू 1/4 सेकेंड पर मैक्सिमम भी है और टाइम टी इक्वल टू 1/4 सेकेंड पर मिनिमम भी है, ये तो नहीं हो सकता। इसमें एक ही चीज हो सकती है, 1/4 सेकेंड पर या तो वाई मैक्सिमम का आंसर हो सकता है या फिर मिनिमम का हो सकता है। कैसे डिसाइड करना है कि आप हाईएस्ट पे हैं या आप लोएस्ट पे हैं, यानी कि मैक्सिमम पे हैं या मिनिमम पे हैं, तो कौन डिसाइड करेगा, डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस कितने आते हैं क्वेश्चन में, अब इस चीज को भी समझते हैं, जो तो क्वेश्चंस मेंस में आना है या नीट में आना है, उसमें तो क्वेश्चन पूछने वाला इतना समझदार है कि वो बच्चे से टेस्ट नहीं करवाएगा, वो पूछेगा नहीं कि तू बता कि मैक्सिमम पे टाइम टी इक्वल टू 1/4 पे मैक्सिमम का पॉइंट आएगा या मिनिमम का आएगा। उसको मालूम है कि एक बच्चे के पास सिर्फ 60 जो है मिनट है या एक घंटा है, एक घंटे में उसको बेचारे को 30 क्वेश्चन करने हैं और मेडिकल वालों को तो 45 करने हैं, वो कहां से चेक करेगा इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के।
तो मेंस और नीट के क्वेश्चन में वो चेक करने को नहीं देते कि बताओ ये पॉइंट मैक्सिमा का आया या मिनिमम का आया, बस वो ये पूछ लेंगे। मतलब टीचर को पता होता है बनाने वाले को कि एक ही चीज पूछनी है, या तो मैक्सिमम पूछ लेता हूं या फिर मिनिमम, यानी कि वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप चेक करो, वह वो खुद ही बता देगा कि इस क्वेश्चन में अगर मैक्सिमा आना है ना, पूछेगा बताओ टी की कितनी वैल्यू पर मैक्सिमा आएगा, या वो खुद ही पूछ लेगा कि टी की कितनी वैल्यू पर मिनिमा आएगा। मतलब हमें नहीं अपना दिमाग लगाना कि वो सही भी पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, तो हम तो मान के चलेंगे वो मैक्सिमम पूछ रहा है तो इतने टाइम में मैक्सिमम आएगा, या अगर वो क्वेश्चन में मिनिमम पूछ लेता तो एक ही चीज पूछता, वो दो चीजें नहीं पूछेगा। लेकिन जो एडवांस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें वो बताते ही नहीं कि मैक्सिमा या मिनिमा है, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट खुद ही चेक कर लेगा पेपर में कि पॉइंट का मैक्सिमा का आएगा या फिर मिनिमा, वो खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा ही चेक करे इससे भी। तो मैं आपको पूरा रूल बता देता हूं। तो सबसे पहले ये टाइम की वैल्यू आ गई, लेट अस सपोज, ठीक, मैंने बिना सोचे लिख दिया यहां पर मैक्सिमा का पॉइंट। सच बताऊं मेरे को नहीं पता ये मैक्सिमा में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ये मिनिमम आ रहा है, मैं चेक करता हूं। मैंने वैसे ही लिख दिया मैक्सिमा, क्योंकि मेरे को, मैं खुद क्वेश्चन बना रहा हूं ना, मेरे को मालूम नहीं है। तो चलो चेक कर लेते हैं कि क्या ये क्वेश्चन पूछने वाले ने ये क्वेश्चन सही पूछा या गलत पूछा, क्या पता मिनिमा आ रहा होता, क्योंकि टेक्निक तो दोनों में एग्जैक्टली क्या लगेगी, सेम। तो एक काम करते हैं, बड़ा ध्यान से देखना प्लीज, हम ना डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो इसके अंदर डी बाई डी टी ऑफ क्या लिखा जाएगा, डी ये लिख, डबल डेरिवेटिव ये होता है ना कि जो डी वाई बाई डी टी उसकी एक बार और डिफ्रेंसिएशन को डबल डेरिवेटिव ऐसी बोलते हैं। अब मुझे पता है कि डी वाई बाई डी टी की वैल्यू, क्योंकि वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ए टी स्क्वायर माइनस 40, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, डी बाई डी टी ऑफ वाई, वाई का मतलब ए टी स्क्वायर माइनस 40, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आएगी 16t माइनस कितनी 4। याद रखना जब आप चेक कर रहे होंगे, ये मैं चेक कर रहा हूं, क्या चेक कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन मैक्सिमा का है या फिर, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये सही पूछा कि गलत पूछा, मैं ये चेक कर रहा हूं कि एट टाइम टी इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड पर मैं मैक्सिमा के पॉइंट पे हूं या मिनिमा के पॉइंट पे हूं। तो चेक करने के टाइम पे आप इसे जीरो पुट नहीं करेंगे, इसमें तो करेंगे टाइम निकालने के लिए तो करेंगे, पर चेक करने के टाइम ये निकालेंगे, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे यहां पे, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई 16t माइनस 4, क्योंकि आप इसमें क्या निकालना चाहते हैं, डबल डेरिवेटिव। तो जब आप डबल डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, 16 कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0, 16 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी कि ये क्वेश्चन किसका है, क्योंकि मेरा आंसर क्या आया, पॉजिटिव, जबकि पूछने वाले ने क्या पूछा, तो यानी कि क्वेश्चन गलत है, उसको क्या पूछना चाहिए था, तो क्वेश्चन सही बन गया कि बताओ कितने टाइम पर वाई की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम, इतने टाइम पे आएगी। वो चेक करने का प्रोसीजर समझ में आया। अच्छा, कई लोग दूसरे बैच में ये पूछ रहे थे कि डिफ्रेंसिएशन करते हुए चलो बाई चांस यहां पर 16 अकेला रह गया, क्या पता यहां पर 16 माइनस 2t रह जाता, कुछ भी, तो कोई बात नहीं, टी की फॉर्म में रह जाता, कोई बात नहीं। आप कितने टाइम पे चेक कर रहे हो 1/4, तो जो भी आंसर आएगा उसमें टाइम की जगह 1/4 करके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, या पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर पॉजिटिव आई तो मिनिमा और अगर नेगेटिव आई तो मैक्सिमा, वहां से लिखना पड़ेगा टाइम को पुट करके, क्योंकि आप t इज इक्वल टू 1/4 सेकंड पे चेक कर रहे हो मैक्सिमा या मिनिमा, जिनमें नहीं आई उनमें तो पता लग ही रहेगा पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या ये पॉइंट समझ में आया कैसे चेक करना है, तो यहां तक लिखो एक बार प्लीज। इसमें नहीं, मैक्सिमम है ही नहीं इसमें, ये ऊपर ही जाएगा सीधा, इसके बस एक बार डिप मारेगा फिर ऊपर जाता जाएगा, मैक्सिमम आएगा ही नहीं।
तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि कैसे चेक करना है। फिर से एक बार देखते हैं, जैसे सपोज लेट अस सपोज आपके पास एक बॉल वाई डिस्टेंस कवर कर रही है 4t माइनस 12t स्क्वायर, या ओके टाइम की जगह चेंज कर रहा हूं 4x माइनस 12x स्क्वायर। तो यानी कि इस बार जो ग्राफ बनेगा वो y और t का नहीं बनेगा, y और x का बनेगा। ग्राफ चाहे कैसा भी हो उसकी जो स्लोप निकलेगी वो dy बाय इस बार dt नहीं होगी, इस बार dy बाय dx होगी। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर dy बाय dx जो स्लोप होगी वो इक्वल टू क्या हो जाएगी। तो ये देखना पड़ेगा कि हमने y और x में स्लोप dy बाय dt नहीं लेनी, dy बाय dx लेनी है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपसे ये पूछा जाएगा कि सपोज आपको ये बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज मैक्सिमम, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, मैंने जो क्वेश्चन पूछा मैक्सिमम वो सही भी पूछा कि गलत पूछा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि इसमें मैक्सिमम होगा, हो सकता है क्वेश्चन मिनिमा का हो। तो चाहे मैक्सिमा का चाहे मिनिमा का, पहला स्टेज तो सबका सेम है, वो क्या कि फॉर वाई टू बी मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी आएगा डी वाई बाय डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू। तो याद रखना किसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, वाई को। जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट। और विद रिस्पेक्ट टू क्या, जो निकालना है, क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स समृद्ध, तो वाई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह इस 4x माइनस 12 इंटू एक्स का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो 4 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स हो गया, 12 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो 4 माइनस 12 इंटू 2x मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2। मैक्सिमम पॉइंट है, चेक कर लेते हैं क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया पहले तो, ठीक है यहां तक। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय, इतनी x की वैल्यू पर या तो y मैक्सिमम होगा या y मिनिमम होगा, पता नहीं क्या होगा फिलहाल। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करते हैं मैक्सिमम मिनिमम। चेक करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसको लिखा क्या जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यही है डबल डिफरेंशिएशन। तो यहां से क्योंकि y की वैल्यू तो आपको पता ही है 4x माइनस 12x स्क्वायर, तो यहां से काम करो आप dy बाय पहले dx निकालो, dy dx में ये वैल्यूज पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, राइट। जीरो नहीं करना इसमें, चेकिंग में जीरो नहीं करना। और डबल डिफरेंशिएशन में d2y बाय dx स्क्वायर में जिसको लिखा जाता है d बाय dx ऑफ dy बाय dx, इस पूरी टर्म की वैल्यू को यहां पुट करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस 24x, डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, माइनस 24। डिफरेंशिएशन करके माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कि ये पॉइंट किसका आएगा, मैंने क्या पूछा था, मैक्सिमा, तो ठीक पूछा मैंने। तो रूल समझ में आ गया कि हाउ टू चेक मैक्सिमम और मिनिमम। ये पूरे साल या अगले साल तक दो सालों में कई बार यूज होगा कि क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड द मिनिमम वैल्यू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको ये समझ में आएगा कि उस केस में अब हमने क्या करना है, मतलब ये भी एक ऐसा टूल है जो बार बार नहीं सिखाना पड़ेगा, प्रोजेक्टाइल के अंदर भी क्वेश्चन आएंगे, फोर्स के अंदर भी आएंगे, अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, ठीक है।